जन जागरूकता के लिए रैली भी निकालने की इच्छा थी, लेकिन पानी भरा होने के कारण संभव नहीं हो पाएगा। आए हुए आप सभी अतिथियों सहित हमारे जो छात्र हैं छात्राएं, आप सभी का इस नए ऑडिटोरियम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रहे, वर्तमान में रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर संतोष श्रीवास्तव सर को अनुरोध करता हूँ कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पर्यावरण को लेकर के बहुत दिनों से बहुत अच्छा काम कर रही आपके बीच की प्रोफेसर अर्चना पांडे मैडम से अनुरोध करता हूँ कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर हिमानी चौरसिया जी से भी अनुरोध है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और इस कार्यक्रम के विशिष्ट या कह लीजिए आप मुख्य अतिथि हमारे ही महाविद्यालय के बहुत ही कुशल पर्यावरण को लेकर के, और आप पूरे कॉलेज में जो ग्रीनरी देख रहे हैं, जो दो चार सालों में कॉलेज में इतना सुंदर आपको माहौल दिखाई दे रहा है, अच्छे अच्छे पेड़ क्यारियाँ बहुत जगह पे अच्छे अच्छे लान बन गए हैं, वो जिनकी बदौलत जिनके नेतृत्व में सब डेवलप हुआ, ऐसे हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के आचार्य सहायक आचार्य डॉक्टर दीपक गौड़ सर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। चूंकि ओजोन दिवस है और यहाँ सभी रिसर्च के स्टूडेंट बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको ना पता हो। यहाँ पे लेक्चर कराने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि एक तो जल साक्षरता जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसका एक औपचारिक उद्घाटन है आज की तारीख में, और ओजोन दिवस के दिन छुट्टी होने के कारण उस दिन कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया था, तो उसको लेकर के एक छोटा सा कार्यक्रम मैंने सोचा था कि एक ऑडिटोरियम में कर लिया जाएगा। उपस्थिति तो अपेक्षा के अनुरूप नहीं है आप लोगों की, फिर भी आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए मैं सबसे पहले हमारे विभाग के सीनियर प्रोफेसर ए के शुक्ला सर से अनुरोध करता हूँ कि हमारे विभागाध्यक्ष आदरणीय संतोष श्रीवास्तव सर का एक स्टिक देकर के गुलाब कर उनका स्वागत करें। श्रीवास्तव सर पुनः दो प्रश्न साइंटिस्टों में शुमार हुए हैं दुनिया के, तो दोनों लोगों के लिए ताली। डॉक्टर दीपक गौड़ सर के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर रंजीत श्रीवास्तव रंजीत कुमार जी से अनुरोध करता हूँ सर का स्वागत करें। डॉक्टर हिमानी चौरसिया के लिए मैं एमएससी की कोई छात्रा जो वाटर लिटरेसी में भी एडमिशन जिसने लिया हो उसको आमंत्रित करता हूँ कि आए, और डॉक्टर हिमानी चौरसिया मैडम का स्वागत करें। सोसाइटी के लिए, पर्यावरण के लिए, पानी के लिए क्या कर सकते हैं, और व्यक्तिगत लेवल पे अपने पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं। पर्सनल लेवल पे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कुछ कर नहीं सकता है, उसकी एक सीमा है, लेकिन अगर आप संस्थागत स्तर पे देखें तो बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन आप कर सकते हैं। सरकारें हों चाहे कोई सरकारी संस्था हो, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, उसमें जो लोग किसी काम को करने के लिए नियुक्त होते हैं पता नहीं उनका इंटरेस्ट उस विषय पे है कि नहीं। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे अधिकारियों को छः छः महीने पे उनकी ड्यूटी चेंज होती रहती है, किसी को किसी काम में लगा दिया गया, किसी को किसी काम में लगा दिया गया, और आप इसीलिए देखते होंगे कि कोई उसका परिणाम निकल के नहीं आता। मेरा अपना मानना है कि किसी भी परिवर्तन के लिए, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के अंदर उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके लिए उसके मन में कोई संवेदना होनी चाहिए, और फिर उसके लिए 10-15 सालों का उसका अनुभव होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए,
तब जाके उसकी बात समाज को या किसी को अपील करती है और वो कुछ परिवर्तन के लिए वो कुछ माहौल तैयार कर पाता है या कुछ कर पाता है। बहुत सारी संस्थाएं बनी है ओजोन दिवस मनाने को लेकर के। अभी अर्चना मैडम आप उसकी पूरी हिस्ट्री बताएंगी। बहुत सारी डेज हम सेलिब्रेट करते हैं लेकिन डेज सेलिब्रेट करना बस डेज सेलिब्रेट करने तक ही सीमित रहता है। सही मायने में आप देखेंगे तो उसका कोई परिणाम निकल के आता नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश में लोग हैं जो अपने स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे या अपनी संस्थाओं के माध्यम से अपने छोटे से जिले में, अपने छोटे से गांव में एक परिवर्तन उन्होंने करके दिखाया है और जो दुनिया के लिए, देश के लिए उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब मैं सीधे आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, जो एक परिचय मैं आपको और करा दूँगी, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जिनका पूरी दुनिया में योग और अध्यात्म को लेकर के एक डंका बजता है, उनके साथ में आपने कुछ दिन तक सीएमपी में आने से पहले काम किया है और उसी का परिणाम है कि जो इस तरह से आप इतना अच्छा गार्डन कमेटी में रह करके उस अर्चना मैडम के साथ में इतना अच्छा वातावरण पूरे सीएमपी को दे पाते हैं। तो मैं सर से अनुरोध करता हूँ कि आज के इस दिवस पे अपना जो अनुभव है उसको शेयर करने की कृपा। आदरणीय संतोष सर, अर्चना मैम, हिमानी मैम, प्रमोद सर और सामने बैठे सभी गुरुजन भी और हमारे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है और उस दिन छुट्टी थी तो उसके वजह बदले आज एक प्रोग्राम रखा गया है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से। दो तीन चीज़ें हमें अनुभव हुआ फील्ड में और यहाँ आने के बाद, और जब हम आचार्य जी के साथ काम करते थे उन लोगों के साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा हमारा पहाड़ों पे जाने का, कि बालकृष्ण सर के साथ में कैसे वो पहाड़ों पे चढ़ जाते थे, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हम लोगों। और एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपके आसपास मैडम है अर्चना मैम, मैंने क्या देखा है इनके साथ में कि ये जो है जितने सीड हैं जो मौसमी फल आते हैं उनके सीड कलेक्ट करना, फिर किसी संस्था को भेजना और जब शहर से बाहर जाना तो उन जगहों पर सीड को ले जाकर के स्प्रेड करना, तो ये एक ऐसा एफर्ट है जो आने वाले समय में हमको ये प्रैक्टिस आने वाले समय में हमको और गिरने की तरफ लेके जा सकती है। कैंपस की बात करें तो कैंपस में जब हम जिस साल ज्वाइन किए 18 में, हम लोग केमिस्ट्री जूलॉजी और बॉटनी के सारे टीचर जो नए हैं सब लोग ज्वाइन किए थे, दोनों तरफ कॉलेज के जो है कूड़ा रखा हुआ था, चूंकि वो कुंभ आने वाला था तो सारे ईंटे पड़े हुए थे। इंटर करने के बाद फिर आपके सामने कैंटीन है, वहाँ बड़ी सारी घासें उगी हुई थी। यहाँ आने के बाद जो हमें रियलाइज हुआ, एक तो ये पुराना जो बरगद का पेड़ है मुझे हमें इस चीज़ का हमेशा याद दिलाता है कि इस बहाने कुछ परिंदे इस तरफ आते तो हैं, इस बहाने कुछ परिंदे इस तरफ आते तो हैं, इस शहर की भीड़ में बूढ़ा सजर अच्छा लगा। और उसको ऑब्जर्व करते हुए हमने यहाँ की हम लोगों ने मैडम के सानिध्य में और ग्रीन कैंपस कमेटी, IQAC, बॉटनी डिपार्टमेंट, जूलॉजी डिपार्टमेंट मिल करके हम लोगों ने यहाँ का CBR बनाया, कैंपस बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। अपने आप में एक ऐसा इंफॉर्मेशन है कि आपके कैंपस में कौन से बर्ड आती हैं, कब आती हैं, प्लांट कौन कौन से लगे हुए हैं, ये भी है उसके बारे में। कैंपस बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर हम लोगों ने बनाया जिसका NAC की PR टीम ने काफ़ी उसको सराहा। दूसरा पहलू इसका ये था कि कट गया दरख्त, अभी हमने क्या देखा कि जो संगम पेट्रोल पंप से लेकर के काफ़ी रोड चौड़े हुए और पुराने पेड़ लगे हुए थे, बरगद के पेड़ थे। उसका दूसरा पहलू ये था कि कट गया सदर मगर ताल्लुक की बात थी, बैठे रहे जमीन पे परिंदे तमाम। तो ये उनका नेस्टिंग होता, हो सकता है कि वो परिंदा गया हो कहीं अपने लिए खाना लेने के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, वो जब उड़ के आता है क्या देखता है कि पूरा जो है दरख्त कट गया। एक दूसरा पहलू है, बहरहाल जो हमारी जो रिस्पांसिबिलिटी है एज अ
एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, क्योंकि विषय भी हम लोग का साइंस का है, हम लोग उनकी गतिविधियों से परिचित हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमें थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली दिखाया जाता है। हमारे छोटे से एफर्ट, छोटे छोटे एफर्ट जो है वो कितना चेंज ला सकते हैं हमारे सोसाइटी में, पर्यावरण के लिए, वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका सलूशन हमको ढूंढना पड़ेगा। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, हील भी हो रहा है। ये प्रोसेस कुछ नेचुरल फिनोमिना है और कुछ मैनमेड है। मैनमेड हमने जो हमने अपने यहाँ सुख सुविधा के लिए जो चीज़ें बनाई, उससे जो उत्सर्जित गैसेज हैं वो कहीं उसको डिप्लीट करती हैं। फिर उसको एक्शन में लाना, अभी साल की जो थीम है कि ओजोन परत को हम कैसे एडवांसिंग करें फॉर क्लाइमेट चेंज, हम एक्टिव रहें। और कोई भी एक्टिविटी जब होती है, जब आपका पार्टिसिपेशन, ये आपका पार्टिसिपेशन है, आपके लिए प्रोग्राम है, और आप आएंगे तो हम सबको और एनर्जी मिलेगी। और जो ग्रीन कैंपस थोड़ा बहुत अभी दिख रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग दो तीन एरिया है, एक तो केमिस्ट्री ये कॉमर्स का एरिया है, फिर प्लेग्राउंड है और छोटा सा प्लेग्राउंड जो शासन के तरफ है, कुछ गेट के सामने पूरी प्लानिंग के साथ प्लांटेशन अभी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वाटर लॉगिंग हम थोड़ा फेस करते हैं, ये हमारे यहाँ वो जो वाटर लॉगिंग, वो बाहर से पानी आता है, हमारे कैंपस इन हाउस पानी नहीं है, लो लाइन में है, इसकी भी हम लोग जल्द ही मैनेज कर लेंगे। और हम लोग वाटर कंजर्वेशन के लिए जरूर थोड़ा सा एफर्ट, हम ये नहीं कहते कि आप जिस लेवल पे हैं, आप स्टूडेंट लेवल पे हैं, आप पॉलिथीन कम उपयोग करिए, आप कंजर्वेशन के लिए कुछ सीड आपने खाया है, जैसे मैम ने इकट्ठा किया, मैम ने भेजा संस्था को, तो ये जो हमें जो मोटिवेशन मिलता है यहाँ से मिलता है, आप लोग हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। और ख़ास करके जो ये वाटर लिटरेसी कोर्स है, इसकी वाटर सबको पीना है, सबको ज़रूरत है, लेकिन अगर हम इसके बारे में अवेयर नहीं है कि कैसे हम इसको बचा सकते हैं, कैसे इसको हम कंजर्व कर सकते हैं, ये कोर्स उपस्थित प्रोफेसर अर्चना पांडे मैडम, प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रंजीत, डॉक्टर हिमानी, दीपक जी, प्रवीण त्रिपाठी, प्रवीण सिंह जी और मेरे रिसर्च स्कॉलर एंड प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हमेशा आप पाएंगे, खास करके प्रमोद जी, हिमानी जी हमारे इतने एक्टिव हैं कि आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं और इनका बहुत महत्व है। एटलीस्ट नहीं कुछ आप सीखे तो इतना तो आप जान ही जाएंगे कि 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन डे क्यों मनाया जाता है, ओजोन का क्या इम्पॉर्टेंस है हमारे जीवन में, बहुत सारी बातों पर इस पर प्रकाश प्रोफेसर अर्चना पांडे मैडम डालेंगे, इसलिए मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला हूँ। हमारा एक आपसे संदेश है, संदेश ये है कि हमें ये खोजना है कि हमारा रोल क्या है। जब कभी भी आप किसी जगह पे आप जाएंगे, कुछ करेंगे, तो हर जगह के लिए आपका एक रोल है। क्लास में आपका रोल क्या है, आपके घर में आपका रोल क्या है, आपके सोसाइटी में आपका क्या रोल है, उस रोल को आपको ही आइडेंटिफाई करना है और उसे निभाना है। आप जानते हैं ना, यहाँ पे पृथ्वी पे जितने लोगों को पैदा किया गया, सभी कलाकार, और अपने पार्ट की एक्टिंग उसको करनी है। कैसे करनी है, कितनी करनी है, कितना अच्छे से उसको निभाना है, ये आपको सोचना है। मैं आपको बताऊं, प्रकृति के आप जितने पास होंगे, स्ट्रेस आपसे उतना ही दूर हो जाएगा, नहीं तो आप इसका अनुभव करके देखिए। आपको जब कभी भी लगता है कि हम बड़े संकट में घिर गए हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम आ गई है, कुछ नहीं, आप जाके नदी के किनारे बैठ जाइए, एक बागीचे में बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, कुछ मत सोचिए, विचार मुक्त होने की कोशिश करिए, थोड़ी देर में आपका स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। बागवानी करिए, कोई वाद्य यंत्र बजा सकते हैं तो वो बजाइए, राइट। ये तो स्ट्रेस की बात मैं कर रहा था, लेकिन मैं आपके रोल के बारे में कह रहा हूं कि आपका रोल क्या हो सकता है।
ओजोन परत में छेद क्यों हुआ, ये आपको पता है कि ढेर सारी जो है डिफरेंट टाइप की गैसेस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। दूसरा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि हम लोगों ने बहुत सारे पेड़ कट कर दिए। अब ये जो गैसेस रिलीज हो रही थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बहुत कुछ, जैसे हम लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे इस तरह की गैसेस यूज की जाती रही हैं। इस तरह की कोई भी कंडीशनर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ऐसे गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस भी जो भी हैं वो भी, ये सब के सब जो गैसेस निकलती थी, हार्मफुल गैसेस निकलती रही हैं, इनको एब्जॉर्ब कौन करता था? पेड़, समुद्र। और हम क्या करते चले जा रहे हैं, अभी समुद्र को भी हम प्लास्टिक से पाटे दे रहे हैं, पेड़ काटे दे रहे हैं, है ना? डेवलपमेंट के नाम पर जो हुआ वो सबसे ज्यादा क्या हुआ? पेड़ कट गए। मैं आपको बताऊं 90s में, 1990 की बात, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा, बस 1990 की बात करता हूं कि 1990 में जब मैं वाराणसी से चलता था इलाहाबाद, कौन कौन सी चीजें हो जाती है, हमारा वेदर जो है वो अनियमित हो जाता है, कभी बहुत भारी बरसात हो जाएगी, कभी पानी बरसेगा ही नहीं, कभी बहुत ठंड पड़ेगी, कभी बहुत गर्मी पड़ेगी, ढेर सारे उसके इफेक्ट्स पैदा होते हैं। तो हमारा रोल क्या है, आपके रोल मॉडल आपके डिपार्टमेंट में है, यू कैन सी जो प्रोफेसर अर्चना पांडे मैडम, है ना, पेड़ बढ़ती है, क्या जरूरत है, बहुत सारे काम है ना घर में, सबके पास बहुत सारे काम होते हैं, आपके पास भी, आप कहेंगे मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा, क्या ऐसा ही होता। मैंने जैसे कहा ना कि आपका रोल है, हर जगह आपका रोल है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, और यही जब हम अपना रोल अदा नहीं करते हैं ना तो इस तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। जब ये पेड़ कट रहे थे तो हम में से सभी लोग मौन थे, हम कभी वहां खड़े होकर के नहीं बोले कि हमको ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए। जो पेड़ कटने के बाद प्राप्त होता, आप जानते हैं ये पेड़ कट गए तो अभी वो जो 100-200 साल पुराने पेड़ थे उनको जेनरेट करने में, उनको वहां तक लाने में कितना समय लगेगा, और वो पेड़ जितना ऑक्सीजन देते थे अभी एक नया पेड़ लगाएंगे तो क्या वो उतना ऑक्सीजन देगा? नहीं देगा, समझने की बात है। इसलिए हमको उसे नहीं कटने देना, लेकिन हम मौन रहे और हमारा, हमने अपना रोल प्ले नहीं किया जो हमें वहां प्ले करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया, और उसका खामियाजा हम भुगतने को तैयार हैं, क्या भुगत रहे हैं। आप इस समय देखते होंगे जब कभी भी आप न्यूज देखिए, कहीं आप तक क्या सिर्फ बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसका कारण हम खुद है क्योंकि हमने इनका संरक्षण नहीं किया। तो मेरा सिर्फ आज के दिन आपसे अनुरोध ये है कि जहां कहीं भी आप बैठे हैं, सबसे पहला काम है कि आप अपना रोल आइडेंटिफाई करिए कि मेरा क्या काम है, क्योंकि आप इस भारत देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने कर्तव्य को पहचाने। अधिकार की बात ही हमेशा मत करिए, कर्तव्य की बात बहुत जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, और सभी कुछ न कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, सभी कर सकते हैं। आप चाहें तो आपका मोहल्ला साफ सुथरा रह सकता है, आपके घर का अगल बगल सब कुछ साफ रह सकता है, आप चाहें तो वहाँ हरियाली हो सकती है, आप चाहें तो आपकी नदियाँ साफ रह सकती हैं, सिर्फ जरूरत है तो आपको अपना हिस्से का एक्टिंग कर ले। तो मुझे लगता है कि आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझेंगे और हर चीज में समझ लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, घर में भी आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ क्लास में भी आपकी जिम्मेदारी है, हर जगह आपकी एक जिम्मेदारी है, अगर आप उसको फिक्स कर लिए और ये बिना सोचे कि बगल वाला करेगा तब होगा, ऐसा नहीं, आप अपना हिस्सा कर दीजिए, दूसरा वाला कभी ना कभी करेगा ही। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारे घर के जस्ट बगल में एक जो मेरे पड़ोसी हैं उनकी आदत है कि सड़क पे जब वो अपनी गली में आते हैं तो सड़क पे जितना कचरा होता है वो सारा कचरा बीनते हैं डेली और उसको जाके डस्टबिन में डाल देते हैं। मेरे घर के सामने एक हॉस्टल है जिसमें 600-700 लड़कियां रहती हैं और उनका आदत भी ये था कि वो चलते हुए अपना ये पॉपकॉर्न खाया तो उसका
फेंक दिया, केला खाए तो छिलका भी फेंक दिया, ये सब फेंकते जाते हैं। तो जब वो सुबह शाम ऐसा दो बार तीन बार वो करते हैं, तो जब वहाँ से लड़कियाँ गुजरती हैं तो उनको इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने ये बड़ा गलत काम किया। एक बुजुर्गवार होकर के वो मेरा वो पॉपकॉर्न का छिलका और केले का छिलका और जो कुछ भी हम फेंकते जाते हैं वो सब उठा करके डस्टबिन में डाल देते हैं। उसका वो लगातार ये कर रहे थे, उसका आज के डेट में रिजल्ट ये है कि कोई भी लड़की हमारे गली में इस तरह का काम नहीं करती और वो स्वयं डस्टबिन लगे हुए हैं सब वहाँ पे। तो एक उनके उन्हें सीख दी, वो अपने हिस्से का एक्ट कर गए और उससे लोगों ने लेसन ले लिया और हमारी गली बहुत साफ रहती है। गॉट इट? तो इस तरह का भी आप भी कुछ कर सकते हैं और प्रयास करिए तो क्यों नहीं आप प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मेरे कहने के बाद शायद आप अपना रोल पहचाने और अपने हिस्से का रोल अदा करें। वही आप जब नहीं अदा करते हैं तो कुछ आपको प्राप्त नहीं होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोगों ने ओजोन डे पे मना रहे हैं और ये वाटर लिटरेसी सर्टिफिकेट कोर्स का इनॉग्रेशन भी है आज। ये इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल की भी तरफ से है, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की भी तरफ से है। तो ये कम्बाइंड प्रोग्राम है जो यहाँ हो रहा है और इसके लिए मैं प्रमोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इनिशिएटिव उन्होंने लिया और उनके इनिशिएटिव लेने के बाद ये प्रोग्राम आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेसर संतोष कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर दीपक गोंड, डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर हिमानी चौरसिया, डॉक्टर रंजीत, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर प्रवीण, प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला और डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी जी, ये हमारे फैकल्टी मेम्बर्स हैं जो अपना बहुत कीमती समय निकाल के यहाँ बैठे और हमारे बच्चे, क्योंकि अगर आप ना हो तो ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ आए। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ओजोन डे मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम ऑक्सीजन डे नहीं मनाते, हम कार्बन डाइऑक्साइड डे भी नहीं मनाते, क्यों? क्योंकि अगर ओजोन लेयर नहीं रही तो 100 में 28 लोगों को स्किन कैंसर हो जाएगा, 100 में 15 लोग कैटरेक्ट के शिकार हो जाएंगे मोतियाबिंद के। और लगभग हम सभी ये ना सोचें कि 100 में 15 को होगा, हम तो बाकी 85 में 95 में इन सब में रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सबका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और हम सभी ये जानते हैं कि इम्यून सिस्टम अगर हमारा कमज़ोर हो गया, हमारी प्रतिरोधात्मक क्षमता जो रोगों के लिए है अगर नहीं रही तो हमारा क्या हाल होगा? हमारा शरीर रोगों का घर बन जाएगा। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ द हेल्थ। और एक और पुराना कहे कि कविता जैसी चली आ रही कि पहला सुख निरोगी काया, फिर दूजा सुख घर में माया, करके 8 और हैं। हम अभी 2 की बात कर रहे हैं, इसमें 2 भी की नहीं पहले की कि पहला सुख निरोगी काया। तो ओजोन लेयर की बात करें, आपको पता है कितनों को कि ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर है? किसी को पता है? हाँ बिल्कुल, 10 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक ये ओजोन लेयर है। और जो इसकी मोटाई है वो मौसम और जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से बदलती रहती है। कैसे खोज हुई होगी, कैसे पता लगा होगा कि ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में? ऐसे ही तो बैठे बैठे कुछ हो नहीं जाता है ना। तो हमारे पता है 1913 में फ्रांस के 2 फिजिसिस्ट थे, एक फैब्री चार्ल्स और एक हेनरी बोसोन, ये 2 रिकॉर्ड कर रहे थे। हुआ ये कि उसमें उन्होंने देखा कि यूवी रेंज में काली पट्टी आ रही है, तो यूवी रेंज में कुछ आ ही नहीं रहा, कोई रेडिएशन नहीं आ रहा था उनका। तो उन्होंने सोचा कि इसका मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कहीं तो कुछ है जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से वो पृथ्वी पर नहीं आ रहा है। और जैसे ही ये माइंड में बात आई, ब्रेन में साइंटिस्ट के आई, उन्होंने तुरंत ये टेस्ट करना शुरू किया कि वहाँ क्या हो सकता है। तो उसी स्पेक्ट्रम से उन्होंने सभी तत्वों को मैच कराना शुरू किया और वो आखिर में ओजोन से मैच कर गया। तब ये समझ में आया कि ये जो ओजोन है ये छतरी की तरह वहाँ पर है पृथ्वी से 10 से 30 किलोमीटर के बीच में, और ये यूवी रेडिएशंस को रोक रही है।
और वही बात है, सनस्क्रीन लगाती है ना लड़कियाँ, अब तो लड़के भी लगाते हैं, तो सनस्क्रीन क्यों लगाती हैं आप? यूवी रेडिएशन से बचने के लिए ना। अगर कहीं यूवी लैंप आप इस्तेमाल करें और ध्यान रखें तो यूवी लैंप के सामने आपका हाथ चला जाए तो ये काला सा हो जाता है, तो 6 महीने लग जाते हैं उसको ठीक होने में। तो ये यूवी रेज जो है इनको बचाती है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप कहानी यहीं पर थोड़ी ख़त्म हो गई। इसके बाद ये शुरू हुआ कि ओजोन लेयर का रहना आवश्यक है, क्योंकि पता लग गया कि 100 में 28 लोगों को तो स्किन कैंसर हो जाने वाला है, 15 को मोतियाबिंद हो जाने वाला है, सबका इम्यून सिस्टम वीक हो जाने वाला है। तो ये हुआ कि एक डॉक्टर नाम के मौसम विज्ञानी थे, उन्होंने एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया जो ओजोन को नाप सकता था यहीं पृथ्वी से। और 1928 से 1958 के मध्य में डॉक्टर ने दुनिया भर में ओजोन केंद्र पर निगरानी रखने के लिए एक नेटवर्क बनाया जो आज भी काम करता है, और ओजोन की मात्रा नापने की यूनिट डॉक्सन रखी गई डॉक्सन के नाम पर। 3 मिलीमीटर जो ऑलमोस्ट थिकनेस होती पर ये बदलती रहती है, उसको 3 डॉक्सन भी बोलते हैं। अब बात आती ओजोन लेयर में छेद की, ये कैसे पता लगा? तो 1977 में एक जोनाथन शंकलिन नाम के वैज्ञानिक थे, उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी शंकलिन की, उन्होंने एक विज्ञापन देखा। आप लोग भी देखते होंगे पेपर में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, naukri.com पे। तो विज्ञापन कुछ ऐसा था, चाहिए मौसम विज्ञान में रुचि रखने वाला एक भौतिक विज्ञानी और प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट। ये विज्ञापन कहाँ से निकला था? ये BAS से निकला था। बी मतलब ब्रिटिश, ए मतलब अंटार्कटिक और एस मतलब सर्वे, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे की तरफ से आवेदन ये विज्ञापन निकला था। शंकलिन को लगा कि मैं तो इस योग्यता पे खरा उतरता हूँ, उन्होंने अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन हो गया। काम क्या था? अंटार्कटिक में एक वो था BSA का ऑफिस, वहाँ पर उनका काम था कि जो डॉक्सन का ओजोन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था उससे उनको ओजोन की मात्रा नापनी नहीं थी, दस्ता से नापी नहीं जा रही थी, डाटा केवल किया गया था। ये होता है ना कि जैसे आप कोई डाटा इकट्ठा करने थे, उसकी एनालिसिस होती है ना, एनालिसिस नहीं हो रही थी, बैकलॉग था बहुत लंबा, डाटा इकट्ठे किए जा रहे थे पर कोई एनालिस नहीं कर रहा था। उसी समय BSA ने एक ओपन डे कॉन्फ्रेंस आयोजित की कैम्ब्रिज के मुख्यालय में, जिसमें प्रख्यात वैज्ञानिक, राजनेता और आम जनता को इन्वाइट किया। उसमें शंकलिन को ये अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर का डाटा देना था। अब ये रात दिन लग गए उसमें, इन्होंने सोचा जैसे हम लोग भी करते ना, सब एक साइड तो होगा, छोड़ो थोड़ा मैनिपुलेट किया, 3 रेडिंग में 2 मिल रही है, तीसरी मैनिपुलेट। तो उन्होंने सोचा कि सब एक सा ही होगा, पर अचानक उन्होंने एनालाइज किए चीज, उन्होंने देखा 10। तो आप सभी यहाँ पे अपने इतना कीमती समय के साथ यहाँ पे प्रेजेंट हुए, पेशेंस के साथ आपने सारे सारी चीज़ों को सुना, अपना धैर्य बरकरार रखा। साथ ही वो बच्चे जिन्होंने पोस्टर्स बनाए उनका मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। वो बच्चे जिन्होंने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में सहयोग दिया उनका मैं बहुत धन्यवाद करूंगी। वो बच्चे जिसने अटेंडेंस सभी से करवाया, एक नहीं दो बार करवाया, उसका मैं धन्यवाद करूंगी। और अंत में आज के मैं इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा सर का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया और सभी के लिए अच्छे नाश्ते की व्यवस्था रखी है। और इस कार्यक्रम के बाद आप सभी लोग शांति से बाहर जाइएगा, अपने अपना रिफ्रेशमेंट लीजिएगा और अपनी अपनी क्लासेस में अपने डिपार्टमेंट्स में जाइएगा। हाँ, और जो भी कचरा होगा, प्लेट होगी, जो भी होगा, आप प्लीज़ उसको इधर उधर फेंकने के बजाय डस्टबिन में डालिएगा। ऑलरेडी बारिश की वजह से चारों तरफ बहुत गंदगी है, तो हम ही चाहते हैं कि आप उस गंदगी में अपना और कंट्रीब्यूशन दें। पढ़े लिखे हैं सभी हम लोग, तो हम उन चीज़ों को हटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा आज का